दोस्तों रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के 6th सेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एड्रेस करते हुए रशिया के साथ स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात कही। रशिया के फार ईस्ट रीजन के डेवलपमेंटल विजन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया के भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कमिटमेंट को रिट्रेट करते हुए इंडिया को रशिया रिलायबल पार्टनर की तरह प्रोजेक्ट किया। रशिया ने भी इंडिया के साथ कॉपरेशन को बढ़ावा देते हुए 7.62 mm कालाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर फ्यूचर में एग्रीमेंट साइन करने के इंटेंशंस रिवील किए। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का मकसद ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंडर डेवलप होने वाले इंडिया रशिया कॉपरेशन के पर्सपेक्टिव्स को डिकोड करना है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों रशिया के व्लादिवोस्टोक में हर साल कंडक्ट होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का एस्टैब्लिशमेंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा 2015 में किया गया था। इस फोरम का डेवलपमेंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह किया गया जहां वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इंटीग्रेशन, न्यू इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के रशिया और दूसरे देशों द्वारा फेस किए जाने वाले ग्लोबल चैलेंजेस जैसे की इशूज के डिस्कशन के लिए किया गया। समय के साथ EEF एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप होने में कामयाब रहा जिससे रशिया और इंडो पैसिफिक रीजन के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज के नए रास्ते ओपन हुए हैं। सितंबर 2 से सितंबर 4 के बीच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 6th मीटिंग एक हाइब्रिड फॉर्मेट के साथ कंडक्ट हुई जिसके बिजनेस प्रोग्राम का मेन टॉपिक न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार ईस्ट इन अ चेंजिंग वर्ल्ड था। रॉस कांग्रेस फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज इस फोरम में यूथ EEF, EEF जूनियर और फार ईस्ट स्ट्रीट जैसे दूसरे प्रोग्राम्स भी इंक्लूडेड थे। दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच की फ्रेंडशिप एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से लेकर COVID-19 पैंडेमिक के दौरान तक रशिया ने इंडिया के साथ रोबस्ट कॉपरेशन ऑफर किया है। इस मीटिंग के दौरान भी पीएम मोदी ने रशिया के साथ कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ज्वाइंट पार्टिसिपेशन की बात कही। ज्वेजदा के साथ माजागांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा कमर्शियल शिप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन एक नए डायमेंशन की शुरुआत बताई गई। पीएम मोदी ने गगनयान प्रोग्राम के थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए नदन सी रूट के ओपन करने की बातों को भी हाईलाइट किया। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के साथ इंडिया और रशिया के एक दूसरे से कनेक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे। इसके साथ इंडिया रशिया के साथ एनर्जी और ट्रेड पार्टनरशिप के लिए एग्रो इंडस्ट्री, सेरेमिक्स, स्ट्रेटजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स, टिम्बर और इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए कोकिंग कोल सप्लाई के भी न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। पीएम मोदी ने इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का रेफरेंस देते हुए दोनों देशों के बीच ग्रेटर इकोनॉमिक और कमर्शियल एंगेजमेंट की बात कही जो इंडिया रशिया के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को फर्दर डेवलप करने में अहम भूमिका निभाएगी। दोनों देशों ने अफगानिस्तान इशू को भी लेकर एक परमानेंट बायलेटरल चैनल बनाने की बात पे सहमति जताई है जिससे अफगानिस्तान में इमर्ज होते टेररिस्ट आइडियोलॉजी और ड्रग थ्रेट को काउंटर किया जा सके। इसके साथ रशिया फार ईस्ट रीजन में इंडिया, रशिया और जापान के साथ एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव की फॉर्मेशन की भी संभावना जताई गई है। साखलिन के ऑयल फील्ड्स का क्लासिक एग्जांपल देते हुए इंडिया ने रीजन के फ्रेंडली कंट्रीज के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करने का वादा किया है। दोस्तों इंडिया रशिया रिलेशनशिप के मल्टीपल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। चाइनीज एग्रेशन को देखते हुए इंडिया के लिए रशिया एक रिलायबल पार्टनर है जो टेंशन डिफ्यूज करने में कैपेबल है। हाल के गलवान वैली क्लैश के बाद भी रशिया ने इंडिया, चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच एक ट्राइलेटरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी जिससे टेंशंस डिफ्यूज होने में मदद मिली थी। वेपन्स, हाइड्रोकार्बन्स, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस के साथ रशिया इंडिया पार्टनरशिप माइनिंग, एग्रो इंडस्ट्रियल, रोबोटिक्स, नैनोटेक और बायोटेक जैसे फील्ड्स में भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। रशिया के फार ईस्ट और आर्कटिक रीजन में इंडिया के बढ़ते फुटप्रिंट से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को मेजर बूस्ट मिल सकता है। इंडिया के सॉफ्ट पावर और लेजिटिमेसी को रशियन डोमिनेंस के साथ कंबाइन कर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में एक सिग्निफिकेंट लेवरेज गेन करना कठिन नहीं होगा। डिफेंस, स्ट्रेटजी और टेररिज्म के डोमेन में भी इंडिया और रशिया ने समय के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप किया जिससे अफगानिस्तान और दूसरे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टर्मोइल में इंडिया अपने बेनिफिट के अनुसार एक्सप्लॉइट कर सकता है।
ऑल्दो इंडिया ने समय के साथ दूसरे देशों से अपने डिफेंस परचेज को डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन आज भी इंडिया द्वारा इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट के 60-70% रशिया से ही इंपोर्ट किया जाता है। आज रशियन कॉपरेशन से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के साथ SU-30 एयरक्राफ्ट्स और T-90 टैंक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इस डोमेन में भी दोनों देशों के बीच ग्रेटर कॉपरेशन डेवलप किया जा सकता है। इसके साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और NSG ग्रुप में परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया रशियन सपोर्ट पे रिलाई कर सकता है। दोस्तों, इंडिया रशिया स्ट्रेटजिक कॉपरेशन के ऊपर आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।